प्रश्न इस प्रकार है मानिए कि पूर्वोत्तर भारत में आने वाले भूकंप कुछ धारणाओं के अंतर्गत पाइसन का अनुसरण करते हैं तो अभी तक हम अभी आपसे व्याख्या करेंगे कि यह पाइसन याचिक प्रक्रिया क्या है आप समझ ही चुके होंगे कि यह पाइसन याधिक चर पर आधारित होती है प्रक्रिया का मतलब वह जी जब हम समय को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं हम इसकी व्याख्या थोड़ी देर में आप इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर यह दिया है कि जहाँ पे घटना होने की दर यहाँ पे घटना का मतलब भूकंप आने की दर जो है उसका प्राचल लेमडा का मान दो है यानी सम, अगर समय की खाए एक सप्ताह हो मतलब कि एक सप्ताह में दो भूकंप आ सकते हैं औसतन तो इस प्रश्न में दो उप प्रश्नों को पूछा गया है पहला यह कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि अगले तीन सप्ताह में कम से कम तीन भूकंप आते हैं तो हमें जो प्रश्न में कुछ बताया गया है कि कि भूकंप आने की किस तरह का प्रायिकता है और उस प्रायिकता के बाद हमसे पूछा गया कि अब इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अगले तीन सप्ताह में कम से कम तीन भूकंप आएंगे दूसरा इसमें उप प्रश्न ये पूछा गया कि ज्ञात कीजिए प्रायिकता वितरण प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस समय अंतराल का जो अभी से शुरू होकर दूसरे भूकंप के आने के बीच का है मतलब ये भूकंप अगर आज से समय से कब अगला भूकंप आएगा समय अंतराल का हमें प्रायिकता वितरण निकालना है वह एक याचिक इकाई होगा उस समय भी एक याचिक होगा और उस याचिक समय का हमें वितरण पूछा है तो आइए हम हल की ओर पढ़ें इसमें हल के दे पहले हम व्याख्या करेंगे कि वह क्या धारणाएं हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर पाइसन याचिक प्रक्रिया का उपयोग किया गया है इस प्रश्न में या उसका उपयोग जो है सुझाया गया है तो पहले आइए उन धारणाओं की व्याख्या करते हैं तो अगर हम ये माने कि घटनाएं जो समय के एक निश्चित याचसिक बिंदु पे होती हैं मतलब कोई घटना कभी होती है लेकिन वह कब होगी या यह वह याचिक है इसका मतलब और साथ में साथ हमको यह दिया हुआ है कि कोई एक धनात्मक स्थिरांक धनात्मक मतलब इसका मान ऋण नहीं ऋणात्मक नहीं हो सकता तो अगर यह तीन धारणाएं अगर हम सत्य पाते हैं तो हम देखेंगे कि इस दशा में जैसा कि प्रश्न में इंगित किया हुआ है यह एक पाइसन याचिक प्रक्रिया को दर्शाएगा प्रक्रिया यहाँ पे यह है जब किसी भी यात्रिक चर के साथ समय को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह एक याचिक प्रक्रिया को निरूपित करता है और यहाँ पे चूँकि चर की प्रायिकता एक पाइसन प्रायिकता है तो अगर इसमें समय के लिए अगर हम यह चर को लगाएंगे तो वह एक उस चर की प्रक्रिया को इंगित करेगा तो पहली धारणा यह है कि किसी भी समयंतराल अगर उसे हम एच से इंगित कर रहे हैं केवल एक घटना होने की प्रायिकता अगर कुछ है जो कि वो स्थिरांक जो दिया है उसके गुणन उस समयंतराल के साथ और कुछ अन्य पद जिनका की मान उस समयंत्राल के किसी फलन जो कि कुछ प्रतिबंधों का पालन करता है वह यह है कि उस फलन का जो सीमा है वह अगर अनुपात उस फलन का अगर हम अंतराल का अगर सीमा निकालें तो वो सी, सी, सीमा जो है वो शून्य की रंगित होगी या वो बहुत छोटी होगी दूसरी धारणा यह है कि उसी अंतराल H में दो या उससे अधिक होने वाली घटनाएं की प्रायिकता एक अल्प मान होती है उस प्रायिकता की जबकि घटना एक बार हो और उसका मान भी हमने जैसे पूर्व पद में वो पद को परिभाषित किया है वह उसी के बराबर होती है या बहुत अल्प होती है घटना के एक बार होने की उस इच्छित समयंतराल में अब अगर हम इसमें और परिभाषित करें इन पूर्णांकों को और एन गैर अतिव्यापी समयंतरालों को जो नॉन ओवरलैपिंग या गैर अतिव्यापी अंतराल हैं और अगर उस ई आई उस घटना को दर्शाता है जिसमें कि आईवे अंतराल में सटीक जे आई घटनाएँ होती हैं आईवे अंतराल में सटीक जे आई घटनाएँ होती हैं जहाँ की जे आई जो हैं वो एन पूर्णांक हैं जिनका की मान जे एक से जे एन तक हमने खुद अनुमानित माना है तो ऐसे सारी घटनाएं जो होंगे वो परस्पर स्वतंत्र होंगी तो मतलब किसी भी एक समय अंतराल जो कि अति गैर अतिव्यापी हैं उनकी प्रायिकताएं है, जो हैं परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो इन सब अवधाराओं के अगर अनुका अनुपालन होता है तो हम एक निश्चित अंतराल अगर हम उसे टी से इंगित करें तो होने वाली घटनाओं की संख्या अगर उसे एन टी से अगर हम इंगित करें तो वह एक पायसन याचिक चर होंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टी एक अंतराल है समय है इसलिए यह एक प्रक्रिया को जो है इंगित करता है जिसका कि औसत होता है लेमडा टी लैमडा प्राचल है हमारे पायसन चर का टी वह अंतराल है जिसमें कि हम घटनाओं की संख्या निकाल रहे हैं क्योंकि प्राचल और वो अंतराल का गुणनफल उसका औसत होता है यह इस याचिक प्रक्रिया का के, के गुण है तो इस परिणाम का उपयोग करके हम इच्छित प्रश्न में पूछी हुई प्रायिकता की गणना आसानी से कर सकते हैं आइए उसकी ओर बढ़ें तो यहाँ पे हम सूत्र दे रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि पाइसन याचिकर का सूत्र क्या होता है क्या परिवर्तन हुआ है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहा है किसी समय अंतराल में होने वाली घटनाओं की संख्या अगर वह संख्या k हो एन टी का बराबर है अगर k k यहाँ पे संख्या को इंगित कर रहा है तो उसका मान होगा पायसन के या शिक्षा के द्रव्यमान फलन में अगर हम के में अब यह के घात ऋणात्मक लेमडाटी और टी के घात के वे के संख्या है और के का हम क्रमागत से उसको अगर हम भाग दे दें तो ये हमें परायता प्राप्त हो जाएगी इस या प्रक्रिया की पाइसन यादिक प्रक्रिया की जहाँ की के का मान जैसा कि आपको पता है घटनाओं तो की संख्या है तो वो शून्य से लेकर अनंत की ओर कुछ भी हो सकता है तो इस सूत्र को हम एक से इंगित करते हैं इस समीकरण को जिसका कि हम उपयोग आगे के पटल में करेंगे तो इसके साथ अब हम पहले उप प्रश्न का उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले पलट पे हमने जो याचिक प्रक्रिया की प्रायिकता का समीकरण लिखा है उससे हम इच्छित प्रायिकता की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं हमारे इच्छित प्रायिकता है कि तीन या तीन से ज़्यादा भूकंप तीन सप्ते में आए चूँकि यहाँ पे याचिक प्रक्रिया जो पाइजन प्रक्रिया हमने बताई है उसमें समय की इकाई जो है वह हफ्ता है तो आप देख सकते हैं कि ये हम इस घटना की प्रायिकता को गणित करने के इस्तेमाल कर सकते हैं और यह प्रायिकता को हम जैसा कि हमने पहले भी किया है कि यह प्रायिकता बहुत सारी घटनाओं को इंगित करती है तीन या तीन से ज़्यादा भूकंप तो भूकंपों की संख्या की गणना जो है वो तीन से लेकर बहुत ज़्यादा हो सकती है तो उनकी सबकी प्रायिकता की, की गणना करने से ज़्यादा आसान होगा हमने पहले भी इस तरह के चीज़ों को लिया था उदाहरणों में कि वह है कि हम पूरक घटना की प्रायिकता को अगर पूर्ण प्रायिकता में से अगर घटा दें तो हमें उस इच्छित घटना की प्रायिकता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक में से माने पूरे प्रदर्श की प्रायिकता जो कि इसका मान एक होगा में से घटा दें उन घटनाओं की प्रायिकता, जबकि कोई भी घटना नहीं घटी जिसमें कि जो हमारा जो प्राचल ए, ये है जो एन टू या टू इसलिए किया है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि कम से कम जो है औसतन जो है वो घटनाएं दो होती हैं प्रश्न में तो इसका मान अगर शून्य हो इसका मान एक हो या इसका मान दो हो तो ये इन प्रायिकताओं को अगर हम एक में से घटा देंगे तो वह इच्छित प्रायिकता के बराबर हो हमें पहले ही पता है कि इन प्रायिकताओं की गणना कैसे होंगी जैसा कि हमने देख लिया है पिछले पटल में समीकरण एक के द्वारा तो इसी समीकरण का इस्तेमाल करते हुए अगर हम k का मान शून्य एक और दो उस समीकरण में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिसको कि सरलित कर करने पर यह इस तरह व्यक्त किया जा सकता है तो यह यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी अगर हम इसे गणित कर लें अगर हम के घात का कोई टेबल अगर है या अगर हम किसी संगणक के माध्यम से हम इसको गणना कर सकते हैं तो हमें संख्यात्मक मान मिल जाएगा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है आइए हम देखें इसके दूसरे उप को जहाँ पर हमें पूछा गया है उस अंतराल जो कि अभी से लेकर जब पहली बार पहला भूकंप आता है उसके बीच के अंतराल का हमें पूछा गया है कि वह वितरण क्या होगा उसका हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फलन पूछा गया है तो इसको करना हम इस प्रकार कर सकते हैं मान लें कि x दर्शित करता है अभी से अगले भूकंप आने के बीच के समय अंतराल को और यहाँ पे हम मानेंगे कि यह व्यक्त है सप्ताह क्यों सप्ताह में क्योंकि हमने देखा है कि प्राइसन या चिक्चर जो है वह उसका प्राचल यह सप्ताह में व्यक्त है तो यह हम इस्तेमाल करना चाहेंगे इसलिए हम इसको मानेंगे कि वह अंतराल सप्ताह में व्यक्त है अगर वह सप्ताह में नहीं है तो हम पूर्व समीकरण का इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे तो अब एक्स अंतराल है उसका मान अगर टी टी हमने देखा था हमने निकाला है समीकरण में कि वह टी वह समय अंतराल में है उसमें अगर कई घटनाएं हो रही हैं तो एक्स का मान टी से अधिक तभी होगा जब अगले टी इकाई समय में कोई भी भूकंप नहीं आता क्योंकि टी में तो हमने पता है कोई भी भूकंप नहीं आता है जो अगर हम समीकरण एक का इस्तेमाल करें तो यह प्रायिकता इस प्रकार हम लिख सकते हैं वह यह है कि एक्स वह प्रायिकता कि एक्स वह समय अंतराल जो अभी से लेकर अगले भूकंप के बीच का है वह टी से ज़्यादा होगा जिसकी कि प्रायिकता जो है हम ये चाहते हैं कि कोई भूकंप नहीं आए तभी वह ऐसा होगा तो हमने मान लिया कि एन टी जो बराबर है शून्य के जो कि समीकरण एक से हम लिख सकते हैं उसका मान ई के घात ऋण लैम्डा डा टी जो कि बाकी सब पद जो है वह इकाई में परिवर्तित हो जाएंगे के मान शून्य के लिए और यह प्रायिकता हमारी इच्छित प्रायिकता नहीं है यह तो हमने बताया कि एक्स टी से ज़्यादा होने की प्रायिकता और हमें जो निकालना है वो प्रायिकता है जो यात्रिक हमें निकालना है वह प्रायिकता वितरण आपको पता है कि किसी भी चर का प्रायिकता वितरण होता है उस चर के किसी निश्चित मान से तक या उससे कम लेने की प्रायिकता तो वह मान अगर एक इस चर एक्स का टी से कम होगा टी या टी से कम होगा को हम लिख सकते हैं इस पूरक प्रायिकता से जो कि हमने पूर्ण पहले पद में जो प्रायिकता निकाली है अगर उसे हम एक में से घटा दें तो वह हमें यह एक छित प्रायिकता वितरण को या प्रायिकता को दे देगी जो कि इस चर एक्स का प्रायिकता वितरण वी, होगा तो इसका मान हम सैद्धांतिक रूप से लिख सकते हैं एक ऋण ई के घात ऋण लैमडा टी जो कि हमने पूर्व पद में प्रायिकता निकाली है और इस प्रश्न के अनुसार चूंकि लैमडा का मान यहाँ पर दो है इसलिए हम इस प्रायिकता को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं सांख्यिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसका मान हो जाएगा एक ऋण ई के घात ऋण दो टी तो ती वह अंतराल है अगर हमें यह टी अंतराल पता होगा तो हम इस तरह से इस प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं